ज साथ खड़ी हुई है वो बिल्कुल इसलिए नहीं खड़ी क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे दोनों गाड़ियों का ये गाड़ी मैंने साथ सिर्फ इसलिए खड़ी की है बिकॉज इसका जो ओवरऑल साइज है हमारी पूरी मार्केट के अंदर ये एक स्टैंडर्ड फैमिली क्रॉसओवर का बेंचमार्क है आपके पास किया स्पोर्टेज है आपके पास झुंडा है है उसके अलावा आपके पास एम है और एक गाड़ी है जो कि अपनी मार्केट नहीं बना सकी वो थी प्रोटोन सबका साइज मोर और लेस सिमिलर है इसीलिए मैंने स्पोर्टिक्स को साथ खड़ा किया है उसके बिकॉज मैं इन टर्म्स ऑफ साइज भी कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि वो इससे कैटेगरी के अंदर छोटी है या बड़ी है फॉर एग्जाम्पल एच कैटेगरी में छोटी है पर्जो कैटेगरी में छोटी है सो so मैं ये चीज देखना चाह रहा हूँ इसको लेकर ये जो गाड़ी मेरे साथ खड़ी है एक्चुअली दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना और पहले कोरियंस ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया था और अब ग्रेजुअली उन्होंने ऑटो मार्केट के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना हैवी फुटप्रिंट बना लिया और अब मुझे लगता है कि चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो भी एक्जैक्टली exactly इसी किस्म के टारगेट को लेके चल रही हैं हमारे पास बहुत से चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो कि कुछ तो इन कोलेबरेशन विद यूरोपियन ब्रांड्स आ रहे हैं कुछ प्योरली चाइनीज़ हैं सो so, ये टाइम बताएगा कि चाइनीज़ ब्रांड्स वक्त के साथ कहाँ पहुँचते हैं और सेकेंडली लेटली ग्लोबली आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहा है दिस इज़ प्योरली इलेक्ट्रिक दिस इज़ नॉट अ हाइब्रिड यू स्टार्ट ऑफ विद द जर्मन आपको पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ नजर आती हैं ऑन रोड आपको ई क्यू एस नज़र आती है आपको उसके अलावा ऑडी ई ट्रॉन जी टी नज़र आती है ई e ट्रॉन आपको जो उनकी एक कह लेंगे क्रॉस ओवर है आपको वो भी नज़र आती है उसके अलावा एम जी ने रिसेंटली एम जी फोर लॉन्च की है विच इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक एंड दिस कार इज ऑल्सो प्योरली इलेक्ट्रिक असल जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये कि इस वक्त तक जो प्योरली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो आपकी जर्नल मैसेज की रीच से एक स्टेप अबाव है बिकॉज इन गाड़ियों की जितनी भी लॉन्च हुई हैं सबकी जो प्राइस ब्रैकेट्स हैं वो लेट्स एडमिटेड काफी ज्यादा हैं लेट्स सी के इफ दिस कार इज वर्थ इट और नॉट और गाड़ी देखने से पहले थोड़ा सा ऑब्वियसली गाड़ी की शेप की बात करते हैं फ्रंट के ऊपर जो ग्रिल है वो ग्रिल नहीं है क्योंकि ग्रिल जो होती है टेक्निकली इट्स सपोज टू बी हॉलो उसमें से एयर फ्लो होता है प्योरली इलेक्ट्रिक है इसके अंदर एब्सोल्युटली ये एक सॉलिड पीस चल रहा है ये जो आपको ब्लू स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये इसके अंदर एक प्रिंट चल रहा है ग्रिल नहीं है गाड़ी में बिकॉज इंजन नहीं है एयर वेंट्स की गाड़ी को आगे से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हाँ लेकिन नीचे यहाँ के ऊपर आपको एयर वेंट्स एयर इनफ्लो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी के अंदर ए है तो ए के रेडिएटर को तो खैर डेफिनेटली हवा और एयर फ्लो चाहिए ये उसके लिए दिस इज मोर देन एनफ फॉर दैट पर्पज और अगर हम बात करें बोनट की तो इसके अंदर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक गाड़ी है इंजन बिल्कुल नहीं है यह आपको इसका कंप्लीट इलेक्ट्रिक सेटअप नजर आ रहा है और मेरा ये ख्याल है अगर मैंने अपनी कंपनी को फीडबैक देनी है तो दिस इज समथिंग जो कि इनको जरूर देखना चाहिए ये गाड़ी एक सी है ये गाड़ी लोकली असेंबल्ड नहीं है जो कि यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं गाड़ी की जो इन्होंने बुकिंग करनी है उसके अंदर इन्हें जरूर सोचना चाहिए कि यहाँ पे ये एक फ्रंट दें इसके ऊपर प्लास्टिक का एक ये कवर डालें उसके अंदर थोड़ी बहुत लगेज स्पेस भी होनी चाहिए बिकॉज ये कुछ मजा नहीं आया अभी तक वैसे ऑनेस्टली देख के आई होप ये फीडबैक कंपनी तक पहुंचेगी और वो इसके बारे में जरूर सोचेंगे हेडलाइट्स की बात करें तो एक बहुत ज्यादा शार्प किस्म की लाइन है और टोटली एल ई डी है हाई बीम भी एल ई डी है लो बीम भी एल ई डी है प्रोजेक्शन आ रही है लो बीम के अंदर डी आर एल इसका आपको पंपर में नीचे भी मिलता है और अगर हम गाड़ी के अब साइड पे आ जाते हैं तो ऑफकोर्स साइड पे सबसे पहली जो देखने वाली चीज यहाँ पे मुझे नजर आई है वो इसके टायर्स हैं इसका टायर साइज जोन सा है दैट इज टू टू फाइव बाई फिफ्टी फाइव आर ए जो कि आपका एग्जैक्टली exactly सिमिलर है स्पोर्टेज और टूसोन के साथ और अगर मैं टायर के ब्रांड की बात करूं तो आई डोंट नो जो सीके आएगी उसमें कौन सा ब्रांड आता है टायर का लेकिन इस सीबी के अंदर जो टायर लगा हुआ है वो है आ, चाओ यांग शाओ यांग शाओ यांग, शाओ यांग प्रबेबली uh, एक चाइनीज ब्रांड है और साइड uh, पे उसके बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको विंडो के साथ एक क्रोम ट्रिम चलती नजर आ रही है लेकिन नीचे आपको ये जो ट्रिम नजर आ रही है ये ब्लू कलर की है अब अगर आप एक रीकैप करें थोड़ा सा इसी वीडियो में पीछे जाएं तो फ्रंट ग्रिल के अंदर आपको ब्लू ट्राइंगल नजर आ रहे थे दो ब्लू ट्राइंगल्स एंड दिस ब्लू लाइन ऑन द साइड ये अकॉर्डिंग टू द कंपनी रेप्स ये गाड़ी के इलेक्ट्रिक होने को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पे कैमरा भी नजर आ रहा है ऑफकोर्स ये वैसे बाय द वे शो कर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर एडास के फीचर्स भी हैं और एज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली जब इतना कुछ आ रहा है गाड़ी के साथ तो आपको कीलेस एंट्री स्मार्ट एंट्री आपको मिलती है गाड़ी के साथ और अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं ऑनेस्टली uh, स्पीकिंग मैं वैसे इस तरह तसली से इसमें पहली दवा बैठे और पहली दफा बैठ के जो फर्स्ट इंप्रेशन है गाड़ी का वो अच्छा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वही ब्रांड है जिन्होंने डी एफ एस के ग्लोरी लॉन्च की थी और उसको ले के लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा नहीं आया था फील के अंदर लेकिन इस गाड़ी के अंदर सरप्राइजिंगली जो गाड़ी की फील है वो काफ़ी बेहतर है इट्स वेरी प्रीमियम ये जो जगह है ये सारी की सारी सॉफ्ट लेदर के अंदर है ये यहाँ पे स्टिचिंग भी जो चल रही है दिस इज नॉट अ प्रिंट इन द डैशबोर्ड ये एक्चुअल स्टिचिंग लग रही है मुझे गाड़ी के जो बटन की क्वालिटी है वो ग्लोरी से बहुत ज्यादा बेहतर है आई एम एक्चुअली सर प्राइस के इंटीरियर क्वालिटी गाड़ी की वो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी सी उससे बेहतर लग रही है सबसे जो एक बहुत ज्यादा इसमें जरूरी चीज़ है जो कि अगेन आई लाइक द कंपनी टू कंसिडर इट वो ये है कि ग्लोरी को लेके मार्केट uh, का और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज

एंड बीइंग अ प्योरली इलेक्ट्रिक कार इसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन लीवर मिलता है वो फिजिकल गियर चूंकि नहीं है नॉर्मल ऑटोमेटिक्स की तरह तो उसके नीचे का जो पार्ट है आपको वो टोटली खाली मिलता है सो so, अगर आप बैठे हुए बोर हो रहे हैं तो आप साथ वाले पैसेंजर से यू नीचे से हैंड चेक कर सकते हैं इसी कॉन्सोल के अंदर आपको यहाँ पे ये यह दो कप होल्डर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको इसके साथ ये डिफरेंट बटन मिल रहे हैं आपको डिफॉगर फैन इसको ऑफ करने के लिए आपको बटन मिल रहा है ये इसकी मुझे पार्किंग ब्रेक नजर आ रही है जो कि एज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक है और यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन भी दिया हुआ है और ड्राइव मोड 360 कैमरा टेम्परेचर एडजस्टमेंट वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि वैसे अगर देखा जाए तो इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड कि आपको ड्राइव करते हुए आपको यहाँ पे हाथ नहीं ले जाना पड़ रहा आप सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी और हैंडी जगह है सो गुड मार्क्स और प्रैक्टिकलिटी इस जगह के ऊपर और अब हम गाड़ी में पीछे आके बैठते हैं बिकॉज कोर्स uh, पीछे की जगह भी ज़रूरी होती है स्पेशली जब आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो पीछे की स्पेस अच्छी होनी चाहिए थोड़ा सा सीट का अगर पैडिंग पोस्चर और uh, एंगल थोड़ा सा बेहतर हो सकता था लेग स्पेस भी अगर मैं देखूँ तो स्पेस वाइज मुनासिब है लेकिन मेरी जो थाई सपोर्ट है वो मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है किसी कम हाइट के बंदे के लिए शायद ये इतनी प्रॉब्लम ना हो बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी टांग जब नीचे थोड़ी सी बेंड कर जाएगी तो वो सीट पर रेस्ट कर जाती है आम रेस्ट के अंदर आपको अगेन दो तो कप होल्डर्स मिल रहे हैं उसके अलावा आपको दरवाजों में भी चारों में आगे भी और पिछले दरवाजों में भी आपको बॉटल होल्डर्स और कप होल्डर्स मिलते हैं यहाँ वाली छोटू सी एक पॉकेट है सीट की बैक के ऊपर और रेयर ए सी वेंट्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर ऑल दो एयर फ्लो का कंट्रोल यहां पे नहीं दिया गया यूएसबी बी पॉइंट एक है और इसीलिए अगर दो बच्चे पीछे बैठे हुए तो दोनों को बारियां लगा के आपको देनी पड़ेंगी कि पहले एक बच्चा अपना चार्ज करे और फिर उसके बाद दूसरा चार्ज करे और इस गाड़ी के अंदर जितने भी विंडोज हैं चारों के चारों वो वन टच ऑटो डाउन तो है पता नहीं वैसे आप है कि नहीं है ऑटो आप भी हैं Hilantra से इंस्पिरेशन नहीं ली इन्होंने तो अब चलते हैं गाड़ी के ट्रंक की तरफ और गाड़ी का जो ट्रंक है वो ऑटोमेटिक नहीं है यार इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये बात वैसे थोड़ी सी है कि वहां पे तो इन्होंने इंस्पिरेशन कहीं से नहीं ली सारे विंडोज इन्होंने ऑटो दे दी दिए लेकिन यहां पे आके वैसे इतनी प्राइस पे जाके इतना कुछ लेने के बाद मैं वैसे सीरियसली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक होगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हुआ हूँ ट्रंक इट की अगर हम बात करें तो सात की या भी खड़ी है उसका अगर मैं ट्रंक देखता हूँ तो इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है उसकी डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है लेंथ ज़्यादा है हाइट ज़्यादा है इसका ट्रंक उसके मुकाबले में बड़ा है सो ट्रंक के मामले में आके वो थोड़ा सा आप साइज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं पिछली जो सीट्स हैं वो सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट होती हैं सो आप पूरे का पूरा बे एज अ हैज बैग यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनको फ्लैट फोल्ड करने के लिए आपको पहले आगे जाके इसका जो लोअर बेंच का पार्ट है सीट का जो लोअर पार्ट है उसको तो पहले इस तरह उठाना पड़ेगा उसके बाद आप इसकी सीट फोल्ड करेंगे तो ये फ्लैट फोल्ड हो जाएगी थोड़ा सा वैसे ये इजियर भी हो सकता था क्योंकि बोस्टी गाड़ियों के अंदर आप सिंपली इसको फ्लैट फोल्ड करते हैं वो फ्लैट फोल्ड हो जाती है और अगर हम इसके बात करें स्पेयर व्हील की तो गाड़ी के अंदर आपको पूरे पूरा स्पेयर व्हील जो है, वो स्पेस सेवर मिलता है ऐसा नहीं कि आपको व्हील की जगह आधा व्हील मिल रहा है या आपको पंक्चर रिपेयर किट मिल रही है इस गाड़ी के अंदर इन्होंने स्पेयर व्हील के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जो कि वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की रोड कंडीशन के हिसाब से एक बहुत ज़रूरी किस्म की चीज़ है और गाड़ी के अंदर फ्रंट पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल गए थे रेयर पे भी मिल रहे हैं और पीछे भी अगेन आपको ई वाली जो ब्लू लाइन है वो कंप्लीट चलती हुई एंड टू एंड नज़र आ रही है सो so, व्यूअर्स अब आ, मैं अपने आप के साथ ड्राइविंग इंप्रेशन को शेयर करूंगा सेरिस थ्री नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आ, मैंने वैसे अब तकरीबन इससे पहले कोई हाफ अ डजन ई कार्स चला ली हुई हैं और डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट्स में डिफरेंट उनकी रेंज होती है और एज अ ड्राइवर सबसे पहले जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसके बारे में मैं बात करूँगा जो मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अलबत्त बड़ा अच्छा उसका लेआउट है यू गेट ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन उसके अलावा सिंस ये गाड़ी लेवल वन ए एस के साथ आती है विच मीनस के ये आपको वार्निंग्स देगी लेकिन खुद इंटरप्ट नहीं करेगी आपके ड्राइविंग स्टाइल को और ये बहुत आइडियल है अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी चला रहे हैं कि आपके पास तमाम इंडिकेटर्स मौजूद हैं जैसे कि अगर आपकी लेन डिपार्चर हो रही है तो वो आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर इंडिकेशन दे देगा लेकिन अगर आपने राइट uh, right या लेफ्ट होना है उसमें आपको इंटरप्शन नहीं मिलेगी एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्स है वो एम श्योर sure आप लोगों ने शुरू में भी इसकी जो हमने क्वार्टर माइल टेस्ट की है वो देख लिया होगा आई थिंक जिस लीक की गाड़ी है उस हिसाब से मुनासिब है इट्स नॉट सुपर क्विक जैसे हमने इससे पहले कुछ ई वीज की हैं टेस्ट वो काफ़ी तेज थी लेकिन सिंस इसमें जो ज़्यादा आपको एक बैलेंस मिलता है वो रेंज का मिलता है और इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो तकरीबन आपको 50 किलो वॉट की मिलती है और उसका फायदा यह है कि पाकिस्तान में ड्यूटी स्ट्रक्चर इस तरह का है कि आपको मजीद एग्जैमशन मिलती हैं अगर आपकी 50 किलो वॉट टावर की बैटरी है या उससे छोटी है फिर इसमें एक और चीज़ एज ए ड्राइवर जो मैं फेस कर रहा हूँ वो ये कि जो सीट की एडजस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी है इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है कुशनिंग भी सीट की अच्छी है लेदर सीट्स और एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि सिंस अभी विंटर्स आ रहे हैं बाकायदा हीटेड सीट्स की भी ऑप्शन है जो फ्रंट दोनों पैसेंजर्स यानी कि ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए है एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि इस प्राइस ब्रैकेट में होनी चाहिए थी वो ये है कि इसमें लंबा सपोर्ट मेरे पास नहीं मौजूद है लेकिन इसको उन्होंने किस तरह केटे की है वो इस तरह के जो फ्रंट पैसेंजर है उनकी सीट में उन्होंने हाइट एडजस्टमेंट दे दी है अब ये वो चीज़ है जब आप नोटिस करेंगे तो ना ये आपको स्पोटेज में मिलती है ना ये आपको सोनाटा में मिलती है और एम में भी ये चीज़ मिसिंग है कि जो फ्रंट पैसेंजर है वो अपनी हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फिर जो लेआउट है डैश का वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है अब जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं मेरे जो जहन में पहली गाड़ी आती है ना ये इंटीरियर देख के वो एम जी आती है आई थिंक पार्ट ऑफ द रीज़न इसका इसका इंटीरियर का जो कलर है वो भी कुछ ऐसा है और दी अदर थिंग इज़ के आपके पास स्क्रीन डोमिनेंट ये पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है अगर स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स मैंने चेंज करना है तो फिर मुझे अगेन स्क्रीन पर जाना पड़ेगा ए सी का टेम्परेचर का बटन है वो मैं कन्वीनियंटली यहाँ पे फिजिकल बटन के थ्रू एडजस्ट कर सकता हूँ लेकिन अगर आपने मजीद कस्टमाइज करना है तो अगेन दैट्स डन थ्रू द दैट्समेंट सिस्टम और आई एम श्योर अब आप सब लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि इस गाड़ी की ओवरऑल जो रेंज है या जो आम बंदा जानना चाहता है कि फ्यूल एवरेज क्या है जो कंपनी ने क्लेम किया है वो ये है कि विद इन सिटी विद एसी आपको ये शहर में देगी तकरीबन 320 से 335 की रेंज तो ये इसकी रियल टर्म रेंज है वरना जो कंपनी uh, ने टेस्ट किया यूरोप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दैट्स अराउंड 400 हंड्रेड किलोमीटर्स अच्छा उसी में अब एक और क्वेश्चन है कि ये जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो कितनी है तो आई थिंक इट्स इजी मैथ्स आप uh, अगर 50 किलो वॉट की बैटरी है तो आप पचास मिनट लगा लें इसमें जो लोग सोलर यूज करें आई हाईली रिकमेंड कि वो घर पर अगर इसे चार्ज करेंगे ऑफ पीक आवर्स में तो उनकी तो आई थिंक काफ़ी बचत हो जाएगी और उसमें ये है कि जो इसके साथ इन्होंने चार्जर दिया हुआ है वो चार्ज करता है सेवन टू एट आवर्स में अगर आपने हंड्रेड परसेंट करना है तो ओवरनाइट चार्जिंग जैसे बाकी इस ली की गाड़ियाँ सेम आ, आप उसी तरह ही करेंगे और फिर आपके पास रेंज जो है वो तकरीबन तीन किलोमीटर ये आपको शहर के अंदर दे देगा इसमें रीजन ब्रेकिंग जो है वो भी कस्टमाइज आप कर सकते हैं थ्री लेवल्स हैं उसके सो जो पहला लेवल है उसमें आपको बिल्कुल जैसे आप एक नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं उस तरह फील होगा देन देर इज अ मीडियम लेवल ऑफ रीजन उसमें हल्की सी गाड़ी खुद ब्रेक करेगी और वो जो ब्रेकिंग पावर होती है वो वापस बैटरी को देके उसे चार्ज करती है एंड फिर जो तीसरा लेवल है वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है और उसमें आप जैसी पेडल से पाँव उठाएंगे गाड़ी एग्रेसिवली ब्रेक करेगी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा मुझे अभी भी नहीं लगता कि सिंगल पेडल कार है क्योंकि मैंने इससे पहले जब रिव्यू किया था निशान की जो नोट गाड़ी है उसकी जो मुझे रीजन महसूस हुई थी वो काफ़ी एग्रेसिव थी उससे आप एज ए सिंगल पैडल कार चला सकते हैं सो वेर्स मैंने तो अब आप लोगों के साथ अपने ड्राइविंग इंप्रेशन शेयर कर लिए हैं मैंने कहा अभी भी आप ड्राइव करें और बताएं कि क्या फील हो रहा है आप जरा क्रिटिकल वे में बताते हैं तो बताइए प्लीज यार देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि ओवरऑल जो गाड़ी के अंदर केबन की फील है ना वो नो डाउट मैंने पहले स्टार्ट में ही बोल दिया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है मटीरियल लेकिन जो डैशबोर्ड का साइज़ है ओवरऑल आपको प्लेसमेंट मिल रही है गाड़ी की जो केबन विथ है फील है वो उतनी स्पेशियस नहीं लग रही जितनी आपको एम में टूसॉन में या स्पोर्टेज में आती है ऑल दो काफ़ी सिमिलर है साइज वाइज बाइज से कि ये एच वगैरह से ऊपर है एक स्टेप और स्पोर्टेज वगैरह के करीब हो सकती थी सेफ्टी की बात करें तो गाड़ी के अंदर छेयर बैग दिए हुए इन्होंने वहां पे ये सीबीयू है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है लेट सी के सीके के अंदर कोई इस तरह की चीजें ये कट डाउन करते हैं के नहीं करते बट मेरा ख्याल है जब आप इतनी एक प्राइस चार्ज कर रहे हो वो भी एक इस तरह के ब्रांड की जो कि बहुत ज्यादा स्टेब्लिश नहीं है तो आपको इन चीजों पे कट डाउन बिल्कुल नहीं करना चाहिए लेकिन अभी भी वैसे जो कट डाउन की जो मैंने कट डाउन का एक वर्ड यूज कर लिया उस कट डाउन को लेके मैं आगे चलता हूँ तो इस गाड़ी के अंदर ये

हॉर्न आपको अच्छा मिलता है स्पीकर्स की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो ठीक है लेकिन इन्होंने जैसे कुछ चाइनीज ब्रांड हैं जिन्होंने सोनी एंड आमन कार्डन टाइप चीज़ें देना शुरू की थी इन्होंने अभी तक तो नहीं दिया एम भी आपने चलाई होगी तो आपको पता होगा कि एम के जो इंडिकेटर्स हैं वो लेफ्ट साइड के ऊपर हैं इसके इंडिकेटर्स वहीं पे हैं जहाँ पे हम पाकिस्तानियों को आदत है इसके इंडिकेटर जो उनसे वो राइट right साइड पर ही हैं अब मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है आगे ये टर्न आ गया है तो गाड़ी के टर्निंग रेडियस को भी देख लेते हैं कि कैसा है सरप्राइजिंगली काफी अच्छा है गाड़ी का टर्निंग शॉर्ट है मैंने कुछ और भी गाड़ियों के साथ कंपेयर किया था जो कैबिन इंसुलेशन है मुझे वो भी इस लीक की गाड़ियों में अगर देखा जाए क्योंकि ईवी है तो इंजन साउंड नहीं होती तो इसमें टाइर नॉइज है जो मुझे वैसे बेहतर ही लग रही है और ओवरऑल जब हमने कंपेयर किया विद अदर कार्स तो इसकी कैबिन इंसुलेशन भी बेहतर है इसकी कैटेगरी की गाड़ियों से और अब आई थिंक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो प्राइसिंग है क्योंकि ऑफ कोर्स यही एक ऐसी चीज़ है जो लोग देख के गाड़ी लेंगे ये न्यू ब्रांड है अभी तक मार्केट में पहले कभी भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया गया जो इसकी पोजिशनिंग है वो इस तरह है कि ये डी एफ एस के का एक प्रीमियम ब्रांड है सो लेट्स से जस्ट लाइक लेक्स इज फॉर टोयोटा ये डी एफ एस के लिए एक सेरिस जो है ये एक उसका प्रीमियम ब्रांड है जो इंटीरियर है वैसे कुछ तो मुझे मिली हैं कि जो आपको शो करवाता है कि वाकई इन्होंने क्वालिटी पे बहुत फोकस की है लेकिन अभी देखते हैं कि इनकी जो बाकी लाइनअप है जब वो आएगी तो वो कैसा परफॉर्म करती है बैक टू प्राइसिंग इस टाइम पे जो इस गाड़ी की बुकिंग प्राइस है वो है नाइन मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ इसमें दो चीज़ें अभी जो बुकिंग हो रही है पार्सल अमाउंट थ्री मिलियन पे हो रही है और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये कि कंपनी आपको अंडरटेकिंग दे रही है कि अगर डॉलर में फ्लक्चुएशन आती है लेट से अगर डॉलर नीचे आ जाता है उस केस में आपको वो रिबेट देंगे जो भी अमाउंट आपकी माइनस में जाएगी सेम अगर डॉलर ऊपर जाता है तो उस केस में फिर जो भी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्राइस होगी वो एप्लीकेबल होगी तो ये चीज आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर कर देगी लोगों के माइंड में कि वो फाइनल प्राइस क्या देंगे एक और चीज़ जो जरूरी वो ये कि इस टाइम पे अगर आप प्री बुकिंग में इस गाड़ी को बुक करवा लेते हैं तो आपको तीन महीने में गाड़ी डिलीवर करने का उन्होंने वादा किया है तकरीबन मार्च तक इसकी डिलीवरीज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और लास्टली इस गाड़ी की वारंटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगे कंपनी रेप से मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे बताया है कि डेढ़ लाख किलोमीटर या आठ साल ये इन्होंने इसका जो ओवरऑल आपको टेन्योर दिया है इसकी वारंटी क्लेम का ये भी एक आई थिंक अच्छी चीज़ है कि वो थोड़ा सा कस्टमर्स को दिखाना चाह रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस है गाड़ी में सो so, व्यूअर्स ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इसका आप समझेंगे एक फर्स्ट प्रीव्यू वीडियो थी या थोड़ा सा ड्राइविंग इम्प्रेशन से आगे भी इस गाड़ी को हम मजीद कंपेयर करेंगे थोड़ा सा मार्केट में आने दें गाड़ी को तो इसके मज़ीद कम्पेरिजन भी लाएंगे इसे डिटेल में हम रिव्यू करेंगे रेंज टेस्ट करना बहुत जरूरी है टीवीज का तो ये सब चीज़ें जो है आगे हम लाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मेक श्योर कि आपने लाइक करना है और अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें विल सी यून अ नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़ मैं अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैंने स्वेटशर्ट पहनी है ये पूरी वीडियो में अगर आपने देखी है ये एक्सक्लूसिव ब्लूम की स्वेटशर्ट है आपने भी ऑर्डर करनी है तो स्टाडा पैरल डॉट कॉम पर जाके अपना ऑर्डर अभी प्लेस करें स्टॉक इज लिमिटेड या बाद में ना कहना जाओ शर्ट ऑर्डर करो अल्लाह हाफिज